तो भाई लोग काफी सारे कमेंट आ रहे थे द लेजेंड ऑफ वॉक्स वकीना सीजन 3 के रिलीज डेट के बारे में जानना चाहते थे काफी सारे, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। करंट स्टेटस से लेकर रिलीज डेट की भी बात करेंगे एंड अभी जो कुछ भी अपडेट करंटली आया है सब कुछ डिटेल के साथ में बताने वाला है, सब कुछ परोस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी करंटली में यह बताया जा रहा है कि इस सीजन 3 के अंदर में क्रोमा कॉन्क्लेट आर्क जो है स्टोरी द लेजेंड ऑफ वॉक्स वकीना सीजन 3 के अंदर में दिखाया जाने वाला है। सीजन 1 एंड 2 के मुकाबले सीजन 3 काफी लंबा आर्क है और सीजन 3 के क्रोमा कॉन्क्लेट आर्क एक ही बस्ते में समेटा नहीं जा सकता। अगर आप हार्ड को एक ही बस्ते में भरने की कोशिश करते हो तो उसे भरा नहीं जा सकता। उसी तरह सीजन 3 के साथ यही हाल है क्योंकि क्रोमा कॉन्क्लेट आर्क इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोरी है। अब जान लेते हैं इस सीजन कितने बनने वाले, इसके आगे चलकर सीजन 3 के बाद और भी सीजन आएंगे या नहीं वो भी जान लेते हैं। जनवरी 2023 वॉइस एक्टर रीगल ने वैरायटी को बताया कि यह वॉक्स मकीना के लिए बताने के लिए बहुत सी कहानियां है। यह हिंट देते हुए उन्होंने कहा 105 सीजन से अधिक सीजन तक चल सकता है और यह आगे और भी बन सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन एंड रिलीज के बारे में। तो भाई लोग शूटिंग की बात करें तो यह ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है मुझे मालूम चला है। रिसर्च करते वक्त भी मुझे ये नहीं पता चला कि इसका शूटिंग स्टार्ट हुआ या नहीं, कुछ नहीं पता चला मुझे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये बताया जा रहे राइटर स्ट्राइक के बावजूद अनइफेक्टेड होने के कारण इसका स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है और यह एनिमेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। तो स्क्रिप्ट इसका रेडी है, ये आपको स्क्रिप्ट इसका फाइनल है, हो चुका है काफी पहले। और हालांकि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन 2022 के अक्टूबर के अंदर तीसरा सीजन का अनाउंसमेंट कर दिया गया था और आकर 2 साल हो चुके हैं अभी तक और इसका अता पता नहीं है और इसका नया अपडेट कोई भी नहीं है एंड नया आर्टिकल भी पब्लिश नहीं हो रहा है, जो कि हालांकि एक किस्मत से मुझे एक आर्टिकल ही मिला है एंड उसी के अकॉर्डिंग में ये बना रहा हूँ ये वीडियो। तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि इस तारीख को रिलीज हो जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट के में। वैसे में रिलीज डेट सीजन 1 एंड 2 के टाइमलाइन के फॉलो करते हुए बताया जा रहा है कि अर्ली 2024 में देखने को मिल जाएगा, मगर ये अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्ली जो है ना वो लगभग बीत चुका है। एंड आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 2024 के अंत तक या नहीं तो 2025 के अर्ली में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि वॉक्स मकीना के बारे में आपने जान लिया ये रिलीज डेट वगैरह सब कुछ, मगर इसी से एक जुड़ी क्रिटिकल रोल के तरफ से एक नया धमाकेदार शो आ रहा है जिसका नाम है माइटी 9। द माइटी 9 जो शो है अमेजन प्राइम और क्रिटिकल रोल ने मिलकर फिर बना रहे हैं, जो कि 1 साल पहले अनाउंस किया गया था एंड इसका कोई अपडेट अभी नहीं मिला था। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा पता लगाया एंड रिलीज डेट की बात करेंगे एंड जो 2026 के अंदर में ये रिलीज होने वाला है यह बताया जा रहा है एंड काफी धासु और तगड़े लेवल पे देखने को मिलने वाला है इसका। एंड इसमें थोड़ा बहुत आपको एलिमेंट देखने को मिल सकता है जो कि आपको जो ज़ॉम्बीज होते हैं वगैरह और उस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा और ड्रैगन वगैरह कुछ काफी कुछ रहने वाले। तो जो इंट्रो इनका डाला गया था अमेजन प्राइम की तरफ से एंड साथ में क्रिटिकल रोल की तरफ से आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, उस पे देखने को मिलता है एंड उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है एंड आर्टिकल से भी मदद से मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लगा है एंड पूरे डिटेल के साथ में आपको मैं बताऊंगा मगर आप कमेंट करेंगे तो। हालांकि अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कोई भी और इसी तरह के जुड़ी अपडेट पाने के लिए जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।